आईपीएल 2023 का महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है 31 मार्च से, जो कि चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। चेन्नई का कप्तानी एमएस धोनी करते हुए नजर आएंगे, वहीं हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस का कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जो कि लास्ट सीजन फाइनलिस्ट था और फाइनल भी जीता था। आज बात करते हैं आईपीएल 2023 के मोस्ट सक्सेस टीम यानी गुजरात टाइटंस का। दोस्तों बात करें गुजरात टाइटंस का, तो पिछले सीजन का चैंपियन टीम रहा है गुजरात टाइटंस, पिछले सीजन का चैंपियन और इस सीजन भी चैंपियन बनने का कगार में सबसे आगे गुजरात टाइटंस है। तो चलिए आज गुजरात टाइटंस का एनालाइज करते हैं पूरा फुल डिटेल में कि कब और कहां इसका पहला मैच खेला जाएगा, पहला मैच है और कैसे इसका प्लेइंग 11 है, कौन कौन खेलने वाला है, कौन नहीं खेलने वाला, हार्दिक पांड्या के लिए क्या क्या चुनौती हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में पूरे विस्तार से बात करते हैं। और आप भी अगर महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि इस सीजन में आपका टीम कौन है और कौन आपके हिसाब से चैंपियन बनने वाला है आईपीएल 2023 में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग वर्सेज हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस एक दूसरे से भिड़ेंगी 31 मार्च, यानी 31 मार्च को शाम साढ़े सात बजे से हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग एमएस धोनी की टीम आमने सामने होंगी और दोनों के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें गुजरात टाइटंस का, तो गुजरात टाइटंस वहीं से स्टार्ट करना चाहेगा जहां पे वो लास्ट सीजन छोड़ा था। पेपर पे बिल्कुल कमजोर टीम दिख रहा था और वो आ करके इतना मजबूती से अपना पेश किया कि 2022 में सबको चौंकाते हुए चैंपियन बना। और वैसे ही दोस्तों 2023 में भी कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनने का उम्मीद बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि गुजरात टाइटंस का टीम स्टारों से सजा हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं गुजरात टाइटंस का प्लेइंग 11 का। बाद सुमन गिल आएंगे नंबर वन पे ओपनिंग करने के लिए, उसके साथ देने के लिए आएंगे वृद्धिमान शाह जो कि दूसरे नंबर के बल्लेबाज होंगे और इस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। बात करें दोस्तों तीसरे नंबर पे, तो अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन आएंगे जो कि तीसरे नंबर पे आकर के मजबूती प्रदान करेंगे। हार्दिक पांड्या कप्तान आएंगे जो कि बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे हैं। दोस्तों बता दें आपको कि सुमन गिल और हार्दिक पांड्या बेहतरीन फॉर्म में हैं और वो किसी भी टीम को ध्वस्त करने का काम कर सकती हैं। वहीं बात करें दोस्तों चौथे नंबर का, तो डेविड मिलर आएंगे जो कि शानदार और खतरनाक खिलाड़ी है। आपको बता दें कि T20 में डेविड मिलर के नाम महज 37 गेंदों में शतक है। दोस्तों वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेविड मिलर ने महज 37 गेंदों में यह शतक ठोक दिया था और पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए महज 38 गेंदों में शतक ठोका हुआ है। दोस्तों बता दें वहीं पाँचवें नंबर पर राहुल तेवतिया आएंगे जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है और हर मैच में वो अपना विनिंग परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो लास्ट सीजन का ही बात ले लो। वहीं बात करते हैं दोस्तों, बात करें दोस्तों सातवें नंबर पे, तो सातवें नंबर पे राशिद खान आएंगे जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, अपने बैटिंग से भी और अपने बॉलिंग से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था लास्ट सीजन और इस सीजन भी उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। वहीं बात करें दोस्तों आठवें नंबर पर, तो आठवें नंबर पर शिवम मावी आएंगे जो कि एक बेहतरीन बॉलर है और किसी भी टीम का भी किल्लियाँ उखड़ने का काम करती हैं। वहीं बात करें दोस्तों नौवें नंबर पे, तो यश दयाल आएंगे जो कि एक बेहतरीन बॉलर है। वहीं बात करें दोस्तों दसवें नंबर पे, तो अल्जारी जोसेफ जो कैरेबियन खिलाड़ी है और वो काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में भी है, वो टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं बात करें ग्यारहवें नंबर का, तो मोहम्मद शमी आएंगे और मोहम्मद शमी को कौन नहीं जानता, लास्ट सीजन बेहतरीन फॉर्म में थे मोहम्मद शमी और इस सीजन भी उससे उम्मीदें हैं कि वो जो टॉप 5 विकेट टेकर का लिस्ट में भी रहेगा। और आपको बता दें दोस्तों कि मोहम्मद शमी कहीं ना कहीं कहर बरपाते हुए नजर आएंगे और इस सीजन में आपको सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन बॉलर बनकर उभरेंगे। दोस्तों अगर आपको ये टीम सेटिस्फाई लगा और ये टीम बेहतरीन लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और दोस्तों बता दें आप लोगों को कि डेविड मिलर पहले मैच के लिए, जो कि CSK के खिलाफ पहला मैच खेला जाना है 31 मार्च को, यानी उसमें डेविड मिलर उपलब्ध नहीं होंगे। उसका कारण है कि नेशनल कमिटमेंट्स कैसे दोस्तों, कि उसका खुद का मैच चल रहा है जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और लास्ट मैच में आप देखे हों 18.5 ओवर में वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, वो भी 250 के समथिंग रन को चेज करते हुए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।